हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मैं पहला ब्लॉग आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ, छठ पूजा का जो खरना और नहाई खाई का ब्लॉग था, और वहाँ तक सब हो चुका था। तो ये सेकेंड ब्लॉग है जिसमें कि दूसरा दिन जो छठ का होता है ना, जिस दिन प्रसाद बनाते हैं हम सब, तो वहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो यहाँ पे मैं, जो आप सब अगर नए होंगे फ्रेंड्स, तो पहले वो ब्लॉग देखें जो खरना का ब्लॉग है, उसके बाद ये ब्लॉग देखें तो समझ में आ जाएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में दे दूंगी। तो ये जो है सो सेकेंड डेज का है, तो जिसमें कि प्रसाद मेरी दीदी बना रही है। तो यहाँ पे ना आम के लकड़ी से बनता है पूरा, धो के नहाने के बाद और पूरा शुद्ध से, क्योंकि फास्टिंग होता है, उसी प्रसाद बनाना है ठेकुआ का। तो और मैं तो फ्रेंड, जो ढकना पे चढ़ता है ना, जिससे अर्घ देंगे, वो प्रसाद दीदी बना रही थी, नहा के बनाना है। और मैं नहाई नहीं थी क्योंकि फिर शाम में नहाना होता है ना अर्घ देने के लिए। तो मैं बस बिना नहाए हुए, जो घर में हम सब प्रसाद बांटेंगे उसी, यहाँ पे देखिए हम सब बना ले रहे हैं नीचे में गैस पे, क्योंकि वो जो चढ़ाएंगे उसे तो चूल्हा पे मेरी दीदी बना रही है, उसे घी में बनाते हैं। और यहाँ पे हम सब मिल करके, सब घर के लोग ही, और यहाँ पे ही सब देखिए बना रहे हैं प्रसाद बांटने वाला, क्योंकि प्रसाद बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है। अब इसके बाद शाम हो गया तो मैं नहा ली हूँ। देखिए यहाँ पे मैं नहा के, भींगे साड़ी पे ही अर्घ देना होता है शाम वाला अर्घ, तो इसलिए देखिए हम लोग का भींगा हुआ साड़ी, बस दोनों नहा लिए हैं और इसके बाद से यहाँ पे आ गए हैं अर्घ देने के लिए। क्योंकि ना जैसे कि नदी जाते, बट हम लोग नदी नहीं गए हैं, घर में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये स्विमिंग पूल टाइप से जो आता है ना, वो मंगा लिए हैं, उसी से अर्घ देंगे उसी में। और यहाँ पे अर्घ देना है, और शाम होने रात में देखिए यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अर्घ देंगे गीत गाते हुए। तो अर्घ देने के बाद अब यहाँ पे जो है सो पहले अर्घ में जो लोटा है जिसमें हम लोग डालते हैं ना अर्घ देते हैं, तो फूल, पान का पत्ता, सुपारी, रोड़ी सब डाल के ही अर्घ देते हैं। तो देखिए मेरे हस्बैंड यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि हम सब तो वहाँ से ले नहीं सकते ना, तो बस यहाँ पे अर्घ देने के लिए दे रहे हैं। और जब तक कि मतलब कि सनसेट नहीं हो जाता है तब तक अर्घ देना है भींगे हुए साड़ी में आज। और निर्जला उपवास होता है ये व्रत में, आप सब जानते होंगे, इसमें तो पानी भी नहीं पीना है, 3 दिन का उपवास होता है इसमें। तो बस इसी साड़ी में देना है, उसके बाद फिर अर्घ देने के बाद फिर सूप जो यहाँ पे देखिए रखा हुआ, उसमें जितने प्रसाद है उससे भी अर्घ देना है, उसके बाद फिर पूजा करना है। तो देखिए अब शाम हो चुका है, मतलब कि सूर्य जो है अस्त होने वाले हैं। तो बस अब यहाँ पे सूप से भी अर्घ दे देंगे। तो सूप में ना बहुत सारा फल होता है, सारा फल होता है, और जो अगरोटा घी में बनाया गया था, वो नारियल, डामा, बहुत कुछ इसमें होता है, तौलिया होता है, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर होता है, बहुत कुछ होता है अर्घ देने के लिए सूप में, सब भरा हुआ पूरा, बहुत वजन हो जाता है ये सूप। मतलब कि फास्टिंग के बाद तो इसे लेना भी बहुत मुश्किल होता है, ले भी नहीं पाते हैं। तो बस उसी सूप से यहाँ पे अर्घ देंगे। और देखिए सब लोग यहाँ पे, पूरे लोग हैं घर के लोग, क्योंकि नदी तो गए नहीं हम लोग, बहुत भीड़ भाड़ था ना, तो इसमें नदी नहीं गए, इस बार घर में ही कर लिए। तो बस मैं नहीं पकड़ पा रही हूँ, इतना वजन है ना कि मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक तो पास दूसरा भींगे हुए एकदम कांप रहे हैं, मतलब कि ठंडा भी बहुत लग रहा है भींगे साड़ी में, और ऊपर से ये तो इतना वजन, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन बहुत अच्छा पर्व है ना, आप सब अगर ये है तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो बस कष्ट तो है इस पर्व में, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अर्घ दे लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड जल डाल रहे हैं, और 5 बार परिक्रमा करना है यहाँ पे,
पांच बार इस सूप से ऐसे घूम घूम के अर्घ देना है सूर्य देव को, भास्कर को, मतलब आदित्य देव को, जो हमारे हम लोग जिन्हें देख करके अर्घ देते हैं वो तो सूर्य देव ही है ना, बाकी तो भगवान को हम लोग बिना देखे प्रतिमा से पूजा करते हैं, तो बस यहाँ पे देख करके सामने इनको अर्घ देना है। और इसे लेकर इसमें दिया भी जलता है ना, तो बहुत डर लगता है कि दिया मतलब कि पकड़ न ले सूप में। तो बस देखिए अब अर्घ देने के बाद पूरा अंधेरा हो गया, सनसेट हो चुका है, तो हम लोग अब नीचे जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे खरना बना है ना, जहाँ पे खरना पूजा सब किए हैं वहीं पे फिर हम लोग सोएंगे भी, वहीं पे रह सकते हैं। तो यहाँ नीचे आने के बाद भी फ्रेंड्स नीचे से आ रहे हैं देखिए ना, तो इसके बाद यहाँ पे पूजा होगा, बहुत देर पूजा होता है, यहाँ पे भी टाइम लगता है पूजा करने में। यहाँ पे सब कुछ चढ़ाते हैं, सारा जितने भी सामग्री हमारे पास है पूजा का सब चढ़ाने के बाद फिर यहाँ पे सूप रखते हैं। देखिए सूप रखे हैं ना यहाँ पे जितना था, उसके बाद दीपक जला के, और दीपक जो जल रहा था ना रात भर जलेगा, इसे मतलब कि बुझने नहीं देना है सुबह के अर्घ तक, सुबह के अर्घ तक इसे ऐसे ही जलाते रहना है, बुझने नहीं देना है दीपक को। और इस पर्व में ना गीत जरूरी है, तो छठ का गीत होता है जो हमसे बहुत ज्यादा गाते हैं, हर फंक्शन में हर रिवाज जो करते हैं उसमें छठ का गीत गाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अभी पांच गीत हम लोग गाएंगे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि उपवास है, लेकिन पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाता है। आप सब दोनों अच्छी बात है, और हम देख लीजिए तो बस रात में सो गए, सो नींद तो आती नहीं है भूखे रहने के बाद। उसके बाद फिर सुबह में फिर नहाना है अच्छी तरह से, उसके बाद फिर से सुबह में अर्घ होगा दूसरा फल से, वो जो सूप में था वो फल नहीं, दूसरा फल दूसरा प्रसाद से फिर अर्घ देना है यहाँ पे। तो फिर से नहा के हम सब आ गए हैं, और यहाँ पे फिर से सुबह का जो अर्घ होता है मॉर्निंग वाला अर्घ जो होता है वो अर्घ यहाँ पे दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहाने के बाद फिर यहाँ पे सुबह में भोरे भोरे एकदम मॉर्निंग में आके यहाँ पे खड़ा हो जाना है, और जब तक कि सनराइज नहीं हुए मतलब सूर्य भगवान जब तक निकले नहीं तब तक खड़ा रहना है, अर्घ देना है और सूप लेकर के। और सुबह का जो अर्घ होता है ये दूध से देना दिया जाता है, दूध से अर्घ पड़ता है। तो बस यहाँ पे पहले दूध से अर्घ देंगे, उसके बाद खड़ा रहेंगे पानी में थोड़ी देर, फिर जब देखेंगे कि सूर्य भगवान निकलने वाले हैं तो यहाँ पे सूप से जो अर्घ पांच बार देते हैं घूम घूम के वो देंगे। तो यहाँ पे जो है हस्बैंड मेरे अर्घ देने के लिए पानी दूध जो भी हम सब देंगे और वो दे रहे हैं, यहाँ पे खड़े हैं हम सब, और बहुत ठंड भी लग रहा है, सुबह सुबह 5 बजे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रहा है, लेकिन करना तो है ना फ्रेंड्स, तो पूरा तो करना है सारे रीति रिवाज से अच्छी तरह से, बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी करके एक बार देखिए, और ये मेरी दीदी की बेटी है, कैमरा मैन यही बनी है, यही मेरा वीडियो शूट कर रही है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे देखिए दूध से अर्घ दे चुके हैं आप देख सकते हैं, और उसके बाद अब यहाँ पे खड़े हैं, तो जब तक कि सनराइज नहीं होंगे तब तक खड़ा रहना है। उसके बाद अब यहाँ पे दीपक जला रहे हैं मेरे हस्बैंड, और दीपक जला के फिर दीपक जला ही हुआ था, दीपक तो बुझने नहीं देना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए सब मेरे घर के ही लोग सब लोग हैं, दीदी के घर के, तो बस यहाँ पे सिंदूर लगा रही है क्योंकि पर्वतीन है ना, हम सब छठ किए हैं, इतना बड़ा पर्व किए हैं तो इसमें सिंदूर जितने लोग होते हैं सब लोग लगाते हैं, बारी बारी से सिंदूर लगाया जाता है, और हाथ में ना सूर्यदेव बनाया जाता है और सिंदूर लगाया जाता है, तो वही यहाँ पे लगा रही है आंटी, और उसके बाद फिर वो लगा लेंगी। तब यहाँ पे अब टाइम हो चुका है सनराइज होने का, तो फिर हम लोग सूप से भी अर्घ यहाँ पे दे लेंगे, उसी तरह से देना है पांच बार जिसे परिक्रमा करते हैं उस तरह से ही देना है। तो आप देख सकते हैं कि बस इस तरह से ही सूप लेकर के पूरा फल फिर से चेंज हुआ है मॉर्निंग में, और पूरा प्रसाद सब चेंज हुआ है, शाम में दूसरा होता है और मॉर्निंग में जो अर्घ देते हैं ना पूरा फल और प्रसाद सब चेंज करना होता है।
तो बस यहाँ पे फिर से 5 बार देखिए अर्घ देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अर्घ देने के बाद अब जब सूरज भगवान निकल चुके हैं तो हम लोग हवन करेंगे। विधिवत हवन करना है। देखिए बच्चे, मेरी जो दीदी की बेटी है, मेरा बेटा, ये लोग दोनों का पहले भी देखे हैं, तो देखिए दोनों को। और यहाँ पे हम लोग हवन करेंगे तभी जाके ये मतलब कि पूरा होगा। और इसके बाद आ चुके हैं अब नीचे पानी और चाय पीने, क्योंकि 3 दिन के उपवास के बाद जब पानी गला में जाता है ना तो कैसा लगता है आप सोच सकते हैं फ्रेंड्स। मैं बता नहीं सकती हूँ कि पानी के लिए हम सब तरस जाते हैं, एक बूंद पानी के लिए। पानी भी नहीं पीना है इस फेस्टिवल में ना, चाहिए नहीं चाहिए, चाय जरूर चाहिए। तो यहाँ पे पानी चाय नाश्ता करने के बाद अब देखिए चीकू जो है सो खेल रहा है। यहाँ देख सकते हैं आप, रैबिट है ना, रैबिट है मेरा जो के चीकू का भाई है ना, केशव मौसी का बेटा उसका है, तो उसी से खेल रहा है, बहुत उसे प्यार कर रहा है। बोला मम्मा इसे छोड़ के जाना होगा, ऐसे बोल रहा। देखिए मेरे ऊपर भी डाल दिया, मैं चिल्ला रही हूँ बेटा हटाओ हटाओ, मुझे बहुत डर लगता है इस सबसे, लेकिन कुछ नहीं। और हंस रहा है, बोला छोड़ दो इसी के मम्मी के पास छोड़ दो, ऐसे बोल रहा है लोग को। और यहाँ पे मेरी दीदी की बेटी है, कि ये बेटा है, मैं हूँ, मेरा बेटा है, सब हम सब मस्ती करें, क्योंकि अब निकलेंगे ना घर, रिटर्न आ जाएंगे, मेरा स्कूल भी खुल जाएगा ना, तो रिटर्न आज ही होना है हम सबको। थर्ड लॉग रहेगा या सेकेंड लॉग? आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।